sorry about this. अभी अशोक साहब की फरमाइश जरूर पूरा करना। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, नहीं सॉरी बाप दिस डॉक्टर शर्मा। शर्मा साहब ने मुझे टास्क दिया है महनाज जी की, बहुत ही मुश्किल गाना। मैं अल्लाह के शुक्रगुजार हूँ और उस्ताद मीर साहब और लोग साहब ने मेरे लिए दुआएं किया है, उनको मैंने कल फोन करके कहा कि मैं तो गाना नहीं गा सकती, आई कंप्लीटली लॉस्ट माई वॉइस बिकॉज ऑफ द कॉफ। तो सबकी दुआओं से मैं इधर गा तो सकती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल गाना है अशोक साहब। Thank you.
ऑर्गेनाइज करने के बाद अगर बैठते ना तो इधर उधर हो जाता है. सॉरी मैंने कोशिश किया. थैंक यू सो मच. मिर्जा गालिब की जो मेहतिया सब आप पसंद करते हैं, मिर्जा के गाने मैंने गाया था, मैं उनके लिए कुछ सुनाना चाहती हूँ मिर्जा गालिब की. इफ यू वांट मी टू सिंग पंजाबी फास्ट बीट का सॉन्ग आई विल डू, बट लेट मी जस्ट सिंग सम ऑफ दिस ब्यूटीफुल मेलोडी. और एक कहावत नहीं तो शायद हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े मुशायर भी बैठे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा इधर उधर अच्छे अच्छे गजल तो होना चाहिए. जाहिद भाई कहाँ? अच्छा, इसके बाद मैं जरूर लता जी की गाऊंगी. मुझे पता है डॉक्टर रंजन मुझे माफी मांगेंगे. इस गजल के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं जितना मैंने सुना है जानती थी. यह गजल बहादुर शाह जफर की ऊपर लिखा था मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मिर्जा गालिब ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है बहादुर शाह जफर जी. Thank you.
अपनी तरह मैं एक गाने के बाद ब्रेक लूंगी, केक कटूंगी और आप गाएंगे, ठीक है? Thank you.
मेरे हस्बैंड मेरे उनका भी तो बनता है ना फरमाइश, तो उन्होंने मुझे कहा कि जिस प्रोग्राम में जाओगी ये गाना तुम मेरे लिए गाओ, किसी को सुनना है तो सुने, नहीं सुनना है तो बहुत शर्म होता है, लेकिन मैं आज जो भी हूँ बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड।
केक काट लेते हैं। केक के बाद हम रिजवान भाई के गाना सुनेगा, हमारे बीच में हमारी बहन है उनकी भी एक गाना हम सुनेंगे, तो इंशाल्लाह केक काट के। अच्छा केक किससे?